हाँ जी अपना नाम दो। हाँ जी मैं कामरेड तरवंत सिंह खतराए कला किरती किसान यूनियन पंजाब का जिला आगू जिला प्रधान और सूबे का सूबा आगू। अज जनतक जथेबंदियों वालों और एक फोकलोर रिसर्च अकैडमी वालों जोड़ा ये प्रोग्राम मिथ्या गया कि जल्हांवाले बाग की जो पुराना स्वरूप है वो बहाल किया जाए, जिहड़ा नवीनीकरण हो रहा वो बंद किया जाए। इस करके सारिया जथेबंदियों वालों जनतक जथेबंदियों ने इनकलाबी जथेबंदियों वालों ये रोस धरना जरा लाया जा रहा, यदा पुराना स्वरूप बहाल किया जाए क्योंकि इतने बहुत लोगों का खून डुलिया होया वा, सारे भारत के लोगों का खून डुलिया, गरीबा मजदूर किसान का। जनरल डायर ने जोड़ा 1913 जी गोली चला के नहत्थे लोगों मीटिंग करते लोगों शांतमई बैठे लोगों के गोलियां चला के शहीद किया, उन्होंने जी विरासत जी संभाल के रखनी चाहिए आ। तो यह जी नवीनीकरण कर रहे हैं बीजेपी सरकार जी भंगवा कर जा रही है, वो विरोध के जरा धरना जरा अज का जरा रोस धरना लाया जा रहा। साड़ी मंग है जे ना ये मनिया तो आने वाले समय से एक व्डा जरा काफिला संघर्ष जरा चलता वो जरा ये विढ़िया जाएगा। बलकार सिंह सबका सरपंच पिंड राजाताल, मैं किरती किसान यूनियन पंजाब के जिला मैंबर हैं। अज जो प्रोटेस्ट हो रहा है जल्हांवाले बाग की जी पुरानी दिख की इतिहासक दिख है उन्हों बीजेपी सरकार ने बिल्कुल बिगाड़ रही है, वो विरोध के सारिया संस्थावां जथेबंदियों वालों प्रोटेस्ट हो रहा कि जो पुराना इतिहास है उन्होंने एक यादगार के तौर पर रहन दिता जाए, क्योंकि सैरगाह बनाया जाए। इस करके यदा जोड़ा है विरोध के शामिल होए हैं, अपना जथा लैके आए हैं। हाँ जी यदा मतलब जी चलता रहेगा जी, तो इन्हों का विरोध जोड़ा है खेती कानून के संबंध से अगे हो रहा होने ना, ये बड़ा तो एक वर्ड ये चीज़ हैगी देखने योग इन्होंने किया विरोध, वेखो कि चर चल रहा जब तक ये ठीक नहीं करते पुराना नहीं रहन देंगे उन्हें जब तक, तो यदा विरोध जोड़ा वो होर तिखा होता। जो मेरा नाम सुनील कपूर है, मैं जल्हांवाला बाग शहीद परिवार लाला वासूमल कपूर जी का पड़पोता, जिन्होंने दो गोलियां लगन नाल शहीद होए सन। साडी जल्हांवाला बाग फ्रीडम फाउंडेशन वालों, जल्हांवाला बाग फ्रीडम फाइटर फाउंडेशन वालों अज देश भगत यादगार ते होर किसान जथेबंदियां भी नाल मिल के एक रोश मार्च जिहड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट असी कर रहे हैं, उही यारा मंगा दे उत्ते सरकार विचार जिहड़ा नहीं कर रही उस दे उत्ते दोबारा एक असी पीसफुल प्रोटेस्ट जिहड़ा टाउन हाल तो लैके जल्हांवाले बाग तक कर रहे हैं। देखो ये संस्थावां सारियां देश भगत यादगार है, विरसा विहार तो कई संस्थावां आई हैं, फिर किसान जथेबंदी हैं, लेकिन ये सारिया का एको ही उद्देश्य है कि साढ़े जिहड़े विरसे नूं जिहड़ा समाप्त किया गया पंजाबी दे विरसे नूं, उस विरसे नूं जल्हांवाले बाग नूं दोबारा विकास करन वास्ते मुरम्मत करन वास्ते ये एक रोश मार्च कढ़िया जा रहा है। सरकार दी ध्यान च लिया जा रहा भारत सरकार ते पंजाब सरकार दे कि इहदे उत्ते तुरंत जिहड़ा देखो उन्हां कहा गलत होया, लेकिन देखो वो कोई विदेश च नहीं रहिंदे, इत्थे ही रहिंदे सी, उन्हां नूं पहले आना चाहिए सी। मेरे हिसाब नाल देखो वो पंजाब दी इक आवाज़ ने, बहुत वड्डी इक बुलंद आवाज़ ने, उन्होंने कल ये आवाज़ उठाई है तो सही उठाई है, लेकिन वो थोड़ी देरी नाल आए ने, उहदा सानूं मन च मनाल है कि वो देरी नाल क्यों उन्होंने आवाज़ उठाई है। एक जल्हांवाला बाग रणजीत एवन्यू विच भी बनाया गया, उहदे च कोई गलत नहीं हैगा जी? नहीं वो देखो उहदे च की गलत है, तुसीं सवाल दसो कि उहदे च की गलत है? दो जगह ते जल्हांवाला बाग देखो इहदे इहदे विच इस संबंध दे विच मैं अग्गे भी कह गया कि इह साडा इतिहास ते पूरे जिल्हिआं च भी लागू कर देना चाहीदा, जिल्हिआं जिल्हिआं च ब्लॉकों च होना चाहिए भी ये जी विरसा है जरा सा तो साढ़ा इंग्लैंड लंडन के भी असं क्या है कि उतने भी उन्होंने प्रदर्शन किए जा रहे लगता कि सरकार असर होगा? देखो सरकार से असर होएगा, सरकार के जो असर नहीं होएगा, ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, साडा फंडामेंटल राइट है कि असी इस पीसफुल प्रोटेस्ट में अगे वधावे जिन्हें तो सरकार साढ़िया यारा मंगा नहीं मंगती। चिट्ठी भी लिखी गई सरकार नूं, उहदा कोई असर होया? देखो हाले तक तो कोई जवाब नहीं आया सरकार का, लेकिन ताडे मीडिया के माध्यम के नाल सारे ही चैनलों द्वारा प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के उत्ते ये सारा जा चुका साडी फाउंडेशन वालों कि यारा जिहड़ियां मंगा गई उस ते ही स्टैंड करते पए आ, और जिहड़ी पंज मैंबरी कमेटी बना के असी कहा सी वे सानू सरकार दे विच जिथे भी आमंत्रित करनगे असी उत्थे जाके अपने सुझाव दिते आ, उत्ते विचार विमर्श करके सर्वसम्मति नाल असी फैसला लवांगे। दादा जी 13 अप्रैल 1919 नूं राइट एक्ट के खिलाफ जल्हांवाले बाग दे विच 71 होए सी, जिथे जनरल डायर ने चढ़ने
ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ 102 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੂਏ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਤੀ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖਾਨੇ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੇ ਲਾਗੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾਈ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਗਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ 11 ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ।